शिमला के बचत भवन सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में कोविड-19 की रोकथाम के संदर्भ में उपमंडल शिमला शहरी व उपमंडल शिमला ग्रामीण के अधिकारियों, नगर निगम, वार्ड पार्षद एवं व्यापार मंडल के साथ एक बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला शिमला में नो मास्क नो एंट्री नो सर्विस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें आने वाले दिनों में सभी विभागों, कार्यालयों एवं व्यापार मंडलों के सहयोग की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को बचत भवन शिमला सभागार में कोविड-19 की रोकथाम के संदर्भ में उपमंडल शिमला शहरी व उपमंडल शिमला ग्रामीण के अधिकारियों, नगर निगम शिमला, वार्ड पार्षद एवं व्यापार मंडल के साथ बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते शिमला ग्रामीण व शहरी वार्ड साथ ही पंचायत स्तर पर कोविड जागरूकता समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें पार्षद एवं पंचायत प्रधान को उस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और कमेटी में 6 से 7 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा ताकि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना के मामले बढ़ते मामलों के दृष्टिगत, इससे इसकी चिंता के दृष्टिगत हमने सब डिवीजन शिमला अर्बन और सब डिवीजन शिमला रूरल की जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार जो सभी सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट्स को दिए गए हैं उसके अनुसार एक मीटिंग रखी है, जिसमें हमने लोगों की सहभागिता तय करने के लिए सभी वार्डों से काउंसलर्स और बुलाए हैं, प्रधानों को भी बुलाया गया है, ताकि सामाजिक रूप से हमें इस बीमारी से, इस महामारी से कैसे निपटना है। ये जब तक दवाई नहीं आती है तो हर वार्ड स्तर पे, हर पंचायत स्तर पर हम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करके कि यदि ये रोग अगर फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए हम चाह रहे हैं कि हर वार्ड में, हर पंचायत में लोगों की कमेटी बनाई जाए जो लोगों को जागरूक भी करे, उसमें प्रशासन भी रहेगा। और जो ये आजकल मैरिजेस का सीज़न है, फेस्टिवल का सीज़न है, हमने देखा कि इसके बाद मामलों में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेकर लोगों को जागरूक करना है कि जो शादियां हैं या अन्य जो सामाजिक फेस्टिवल, वो जो जिसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस तरह के त्यौहार हैं या शादियाँ हैं या दूसरे फंक्शन जो हैं, उसमें हम लोगों को ये जागरूक करना चाहेंगे लोगों के ही माध्यम से, वहीं के लोगों के माध्यम से कम लोगों को उसमें बुलाया जाए और हो सके तो इसको फैमिली अफेयर रखा जाए, किसी भी फंक्शन को बहुत कम लोग आएँ। और यदि केसेस आ जाते हैं तो उसकी सूचना कैसे संबंधित PHC को, CMO को, डॉक्टर्स को दी जाए, इसके लिए लोगों की सहभागिता इसमें बनाने के लिए कि लोग भी इस मुहिम में जुड़े, क्योंकि जब तक दवाई नहीं है और मामलों में जैसे लगातार वृद्धि हो रही है तो लोगों को साथ जोड़ करके एक तरह का जन आंदोलन कोरोना के विरुद्ध तैयार करने के लिए ये मीटिंग आज बुलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।